एक्चुअली ऐसा माहौल देखो यहीं पे होता है, चोर पुलिस सब लोग साथ में रहते हैं। व्हाट्सअप गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस व्लॉग। आज बहुत ही ज़माने के बाद मैं जा रहा हूँ क्राइम पेट्रोल का शूट करने के लिए। मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है क्राइम पेट्रोल करना वैसे भी। भाई रास्ते में बहुत ज़बरदस्त बारिश मिली। अरे यार मिक्स कर दिया। ये गाइस मैं पहुंच गया पुष्पा विला। ये तो वही विला है यार, बहुत पहले यहाँ पे कर चुके हैं हम लोग काम। यही रास्ता है? यस। चिकन चिकन कौन सा? ये है ये। अच्छा वाला भी हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि रेडी तो मैं। केतन वो मर जाता है। मर जाता है? मुझे नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा ही नहीं है। उसी के तो इन्वेस्ट हो नहीं रहा हूँ इंटेंशनली, अपने आप हो गया है। अच्छा अरे स्क्रिप्ट मिली है क्या? अगर मांग रहा हूँ मुझे व्हाट्सएप पे दिया है। तो गाइस मेकअप हो चुका है, स्क्रिप्ट हमें मिल चुकी है और हमारे पास ना अभी भरपूर टाइम है। इन लोगों ने मुझे 9:30 बुलाया था और अभी 11 बज रहा है। आराम से मैं एक घंटा और सो लेता ना तो और भी मैं फ्रेश दिखता, बट मैंने अपनी नींद पूरी की है। जिस दिन शूट रहता है उस दिन मैं अच्छे से सो करके सुबह उठ भी जाता हूँ, मतलब आराम से पूरी नींद लेता हूँ 8 घंटे वाली। तो अभी नींद अच्छी हो रखी है ना तो फिर ये सब कहानी पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है अपनी लाइन्स को, और भी 4 बार पढ़ रहा हूँ कि ताकि मुझे क्या परफॉर्म करना है वो मालूम चल पाए। आइए दादा आ गए मेजरमेंट लेने के लिए। चलो पहले जो शूटिंग का जो चीज़ है वो तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है, जैसे कि पिक्चर भेजना, मेजरमेंट लेना, मेकअप कराना, बाल ठीक करवाना। तो ये चीज़ें हमें पहले करवानी पड़ती है ताकि ये लोग अपना काम करते रहे और सीन ना रुके। इस पूरे प्रोसेस में जितनी लोग मेहनत करते हैं उन सब का एक ही मोटिव होता है, किसी भी तरीके से सीन नहीं रुकना चाहिए। अगर 9 बजे से कैमरा रोल है और शेड्यूलर ने शेड्यूल कर दिया है कि 9 से 10 में ये सीन, 10 से 11 में ये सीन, 11 से 12 में ये सीन, तो उसको उस टाइम पर ही होना है। अगर वो नहीं होता है ना तो फिर हमारा शिफ्ट आवर्स वो बढ़ता जाता है। अगर शिफ्ट आवर बढ़ा तो फिर प्रोड्यूसर के ऊपर बिल फटता है, क्योंकि इस लोकेशन का उसका किराया बढ़ जाएगा, कैमरे का किराया बढ़ जाएगा, आर्टिस्टों का किराया बढ़ जाएगा। अगर लेट नाइट और शूट हुआ तो फिर सबके लिए वापस से खाना मंगवाना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट मूवी कि एक सीन को 50-50 बार किए जा रहे हैं, 500 टेक ले रहे हैं, नहीं। इसीलिए होता है कि जो पुराने क्राइम पेट्रोल के एक्टर होते हैं उनको ही वो लोग रिपीट करते हैं, उनको पता है कि 3 टेक में किस तरीके से सीन को ख़त्म करना है। क्राइम पेट्रोल आर्टिस्ट सिर्फ 3 टेक लेता है, हालांकि आर्टिस्ट तो एक ही टेक लेता है, बट 1 टेक कभी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस और 1 टेक डायरेक्टर साहब का थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कि वो चीज़ निकल के आया नहीं है स्टोरी के हिसाब से, तो 3 टेक में वो डन होता है। आइए फिर से कहानी के ऊपर चलते हैं। तो गाइज आज के हमारे को एक्टर्स, इनको तो आप जानते ही होंगे। उनको पता, वो जानती नहीं। नाम आपका लोग भूल चुके हैं। हाय दिस इज मुनेंद्र सिंह। क्या मुनेंद्र सिंह? नहीं नहीं ये नाम तो नहीं है, मुनेंद्र सिंह कुशवाहा। अब छोड़, बड़ा नाम देने में दिक्कत हो जाए, छोटा वाला नाम रखा मुनेंद्र सिंह कुशवाहा। नहीं नहीं पवन शर्मा, दरोगा जी पवन पासवान। और ये भाई साहब आज पहली बार हमसे मिल रहा हूँ। हाँ भाई, मैं संजय भारद्वाज हरियाणा का रहने वाला हूँ और क्राइम की दुनिया में बादशाह बनना चाहता हूँ। हरियाणा के रहने वाले हैं, पंजाबी दिखते हैं और यहाँ क्राइम करने आए। लेकिन हम करने नहीं देंगे ये करने नहीं देंगे। एक्चुअली ऐसा माहौल देखो यहीं पे होता है, चोर पुलिस सब लोग साथ में रहते हैं। अभी साथ में खाना भी खाएंगे, खाना खाएंगे, चाय पियेंगे। हे गाइस ये देखो कौन है अभी चेहरा छुपा कर रखो, अभी नहीं। अच्छा ओके। तो गाइस देखिए मेरी एक्ट्रेस मिल गई है क्राइम पेट्रोल वाली एकदम। ये है फगुनिया। दुबे जी कैसे हैं आप? तो वैसे तो ये हम क्राइम पेट्रोल ही कर रहे हैं, इसको क्राइम पेट्रोल ही मानते हैं। हाँ हाँ क्राइम पेट्रोल ही है, और क्या है, है ना, पूरी यूनिट वही है। हाँ। पूरे स्टाफ वही है, पूरे एक्टर वही हैं। और आप देखा ये स्टोरी में ही इज माय बॉयफ्रेंड और कैसे धोखेबाजी करता है ये।
धोखेबाज बॉयफ्रेंड। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हम सीन पढ़ रहे थे ना, तो वो सीन मुझे इसके साथ करना है। अब देखो फिर वो सीन कैसे होता है। बहुत सीरियस सीन है वो, ऐसा नहीं है। हाँ सीरियस है। कौन सा वाला वैसे? वो कुरियर बॉय वाला जो मैं कुरियर। हाँ 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 वो अच्छा सीन है लाइक उसपे। आजा आजा तू भी आजा आजा, हम दो लोग बैठे हैं, तू भी बैठ के गपिया। किधर गया ये? कहाँ रहते हो? एक घंटे बाद आना, लंच होगा तब। बारिश में बेचारे कुत्ते भी कहाँ जाएं। आजा अंदर आजा, इधर बैठ। चलिए जी हमारा पहला सीन लगने जा रहा है। वाओ, दोनों डायरेक्टर सीन की तैयारी कर रहे हैं। बंगलो बड़ा जबरदस्त है। हाँ बंगलो बहुत जबरदस्त है एकदम। यहाँ पे एक बार शूट कर चुका हूँ। सर कुछ चाहिए? ना ना अभी नहीं, जो चाहिए ठीक मैं बताऊँगा। तो अभी हम लोग एक लग्जरी लैविश गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे। हंसी क्यों? लग्जरी लैविश। जनता सब जानती है। जनता जनार्दन। जनता बहुत स्मार्ट हो गई है। रुक जा रुक जा। अरे कभी फिर रुका रहे हैं। हंसूंगी। बाइक बाइक वाले सीन मोस्टली हमारे आउटसाइड में ही होते हैं। और इधर बहुत सारे बंगले, बंगलों के अंदर भी शूटिंग चल रही है। तो अभी हम लोग एक दूसरे लोकेशन पे पहुंच गए हैं। और जैसे जैसे अलग अलग लोकेशन पे आ रहा हूँ ना, तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। यहाँ पे भी एक सीन परफॉर्म किया था, यहाँ पे किसी को किडनैप करके रखा था। और फिर यहाँ पर एंकर वाला पार्ट हुआ था। हर बंगलों से कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई है। ये देखो अपनी लाइन दोहरा रही है, अपनी लाइन रिवाइज कर रही है। सारे एक्टर इतनी ही मेहनत करते हैं तब जाकर के सीन बढ़िया निकलता है। हमने अपनी लाइन की प्रैक्टिस इतनी बार कर ली है ना कि बस अब कैमरा रोल करने की देरी है। और ये कहानी जो है अपने बिहार की है, झारखंड की, इसलिए झारखंड पुलिस का टैग लगा है गाड़ी। हमारे पुराने पुराने यादगार लोकेशंस। इतना स्लिपरी है ये, बहुत तेज स्लिप कर रहा है। बाइक तो और स्लिप होगी। एक बार रात को शादी का सीन चल रहा था, तो हम लोग रात भर इधर बैठे थे और ठंड भी बहुत थी। पूरा स्टेज वगैरह सब इधर लगा था, इस तरफ स्टेज लगा था। और यहाँ पे पार्टी चल रही थी। भैया हमें इसमें पूरा लेंस है, लेंस है ना इसमें। तुम्हारा डाइवोर्स हो गया ना? हाँ डाइवोर्स, अरे 1 करोड़। यहाँ बताता हूँ, देखो ये इयररिंग कैसी लग रही है। बहुत सुंदर लग रही है। डायरेक्शन का, डायरेक्टर का इधर लगाओ, किचन में लगाओ, किचन में लगाओ। चलो भाई लंच टाइम हो चुका है, लंच करने जा रहे हैं। वो लंच सिर्फ सजाया गया है, हम लोग अपना खाना इधर खाएंगे। कौन है भाई? अरे राइटर। कैसे भाई? बढ़िया। यस संतोष जी है क्या? अरे जय माँ मंगला देवी। असली है कि जो है एक्सटेंशन है? पूरे करेक्टर को आप एकदम रियल लाइफ में अपने उतार लिया। तो गाइस हमने तो पूरा सीन ही निपटा दिया अभी तो। अब सिर्फ 1 से 2 सीन और बाकी हैं जो रात के हैं, दिन के हमने सारे ख़त्म कर दिए। बरसात के मौसम में ओ तन्हाई
खुशी के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, परी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, परी बरसात में पी लेने दो। चलिए चेंज आ गया आपका, क्या मनोरंजन यही खत्म होता है।